राव नरवीर ने अपने हलफनामे में आखिर जो ब्यौरा दिया है शिक्षा को लेकर, उस पर आम जनता से हमने बातचीत की। आम जनता ने इस पर क्या कुछ अपना रुख रखा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। राव नरवीर ने अपना हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इलाहाबाद से पढ़ाई की है। क्या लग रहा है आपको? देखो, उनके दादा परदादा तक नेता थे, मंत्री थे, वो खुद भी मंत्री रह चुके, फिर भी उनको इलाहाबाद जाके ये डिग्री लेने की क्या आवश्यकता थी? अगर वो पढ़े लिखे थे तो हमारे MDU से, हरियाणा से ही डिग्री ले सकते थे। ऐसे फेक डिग्री तो आप कहीं से भी ले लो पूरे इंडिया में। लगता है आपको फेक डिग्री है वो? हाँ, फेक है। पढ़े लिखे नेता बनाने की से बात करते हैं, आपको ये लगता है? वो तो अब उनके हाथ में पावर है, वो कहीं से भी डिग्री ले ले, हासिल ले ले। लगता है आपको चुनाव का वक्त चल रहा है, ऐसे में कैसे नेता की आपको जरूरत है? हमें जमीन से जुड़े नेता की जरूरत है जो कि लोगों की समस्याएं सुने, लोगों की काम करे। हमें ऐसे नेता की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राव नरवीर जो है वो चुनावी मैदान में है, वो कहते हैं इस बार मैं आऊंगा, पढ़ा लिखा नेता हूँ, क्या लगता है आपको? पढ़े लिखे कितने पढ़े लिखे हैं वो? देखो, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, एटीट्यूड वाले आदमी है, घमंडी नेता है। ठीक है, ऐसे नेता की हमें जरूरत नहीं है। वो कल तक किसी पार्टी में जाने की बोल रहे थे, आज किसी पार्टी में है, तो उनका कोई वजूद नहीं है। वो नेता ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो हमारे बच्चों की तरफ देखता हो, गांव की सड़कें, लाइट, बिजली, पानी, BPL कार्ड ये देखता हो। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं हो या कुछ नहीं हो। जैसे राव नरवीर, उनको ये नहीं पता कि मैंने कब 10वीं पास की, कभी 87 बताते हैं, कभी 88 बताते हैं। तो ऐसा जो उसको अपने बारे में नहीं पता, वो जनता के बारे में क्या सोचेगा? तो आपको लगता है कि पढ़े लिखे नेता का होना जरूरी पढ़े है? लिखा नेता का होना बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में। जो खुद पढ़ा लिखा है, जो सभी जनता बनाएगा, जैसे हमारे बच्चों का भविष्य है, वो तभी आगे लेके जाएगा। मंत्री जी एक बात और कहते हैं राव नरवीर कि वो पढ़े लिखे नेता है, इलाहाबाद से डिग्री ली है, तो क्या लगता है इलाहाबाद से डिग्री लेकर आए हैं वो? जब इतने ही पढ़े लिखे हैं तो इलाहाबाद जाने की जरूरत ही नहीं थी जी। अपने यहाँ पढ़ाई कम है, अगर जो इस क्षेत्र पे गौर देते हैं, पढ़ाई कम है। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए आज का नेता, हमारा जो नेता होना चाहिए वो एक एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में भी और आज के फ्यूचर में भी सबको एजुकेटेड रखे, शिक्षित रखे। अगर नेता ही एजुकेटेड नहीं होगा तो हमारे फ्यूचर, भविष्य है वो बच्चों का और हमारा सबका, कैसे एजुकेटेड होगा? अच्छा, जरूर एक चीज पूछना चाहूंगा, राव नरवीर जो है वो चुनावी मैदान में है और ये बात कहते हैं कि उन्होंने डिग्री जो ली है 1987 में, वो इलाहाबाद से ली है, और इस पर लोग सवाल भी उनसे कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे नेता की, पढ़े लिखे नेता, कैसे नेता की जरूरत है? देखिए जी, हमें आज के टाइम में पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। और रही बात राव नरवीर की, तो देखिए जी, वो शिक्षित एक नेता नहीं है, और अगर नेता ही शिक्षित नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी भी कैसे शिक्षित होगी? दूसरा बात, इलाहाबाद की उनकी डिग्री है, तो देखिए अगर वो एजुकेटेड ही नहीं है तो इलाहाबाद की डिग्री का क्या करेंगे? वो इलाहाबाद से पैसे देकर तो कोई भी डिग्री बनवा लेगा। झूठा है जी सब डिग्री वगैरह, वो जब मतलब वो खुद ही डिग्री झूठी है तो वो पब्लिक या शिक्षा को मतलब क्या शिक्षा देगा? जब नेता ही खराब है खुद, तो वो क्या मतलब सुधार करेगा? आप झूठ बोल रहे हैं कि झूठे नेता है, क्यों झूठे? हर चीज मतलब जी, हर चीज में झूठ है उनकी, मतलब कोई भी सही बात नहीं है। वो तो आते हैं मतलब 5 साल में जब इलेक्शन होते हैं, जब भी आते हैं ना, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने बाहर रहते हैं, कोई भी चले जाए उनके वहां तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं, पिए वगैरह कोई रहता, कभी कुत्ते खोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये नहीं है जी, रिस्पेक्ट नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं जी, किसी से पूछ लेना। क्या लगता है कैसे नेता की हमें फिर जरूरत है? पढ़े लिखे नहीं तो नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ जी, जो पढ़ा लिखा रहेगा वही तो आगे सक्सेस होएगा जी। जिस नेते को खुद ही अपना ज्ञान नहीं है, मेरा भविष्य कल्चर मतलब, वो क्या सुधारेगा? ऐसे में हमने इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद के उस संस्थान से बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे जानकारी निकलवाई जहाँ से पूर्व मंत्री राव नरवीर ने अपनी डिग्री प्राप्त की। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा गया। सर, मुझे आपका नंबर दिया गया है, एक हमारी डिग्री है उत्तमा जो कि साहित्य रत्न, और विशारद जो कि हिंदी माध्यमा के नाम से है। वो दोनों करने के लिए थोड़ा मुझे जानना था कि खर्चा कितना आ जाएगा, और दूसरा ये जानना था कि क्या सरकारी नौकरी में वैलिड हो जाएगी वो? देखिए, हमारा हिंदी स्तर की मान्यता है, हमको हिंदी की परीक्षाओं में कि हिंदी विभाग कोई खाली हो उसके लिए, समझ रहे हैं ना, उसमें आप भर सकते हैं। पर आजकल सरकार हमारे पास गाइडलाइन होने के बाद भी बहुत जगह से लोग निकाल दिए जाते हैं, समझ रहे हैं ना, हिंदी से भी निकाल देते हैं क्या सर? हाँ, बहुत जगह से निकाल। देखिए, ऐसा नहीं कि हिंदी
जहाँ पर निकला वहीं लोग भरते हैं, अदर अदर जगह भी लोग भरे हैं, ऐसा नहीं, विदेशों में लोग हैं, उनका भी वेरिफिकेशन विदेश से आता है, लोग कर रहे हैं, करे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं जी। हाँ ऐसा नहीं है, पर कुछ जगह निकाल भी दिया जाता है तो वही कोर्ट का लफड़ा फंसता है, समझ रहे ना जी। जी जी ये है, तो प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब प्राइवेट अगर नहीं, दिक्कत तो नहीं है, वो अब हम ऑनलाइन होने जा रहे हैं, इससे और दिक्कत खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्या करने जा रहे हैं ऑनलाइन? अभी तक हम ऑफलाइन है, हमारा रिजल्ट नहीं शो होता, अभी शो होने लगेगा। कब से हो जाएगा सर? ये अपनी सत्तर से चालू रहेगा, अपलोड हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें खर्चा क्या आ जाएगा? पहले आप मध्यमा करेंगे, आपने इंटर बीए इंटर उंटर कुछ किया है? हाई स्कूल इंटर कुछ नहीं सर, दसवीं की हुई है। दसवीं की है तो आप फिर मध्यमा करिए, मध्यमा हाँ, फिर उत्तमा, या डायरेक्ट इंटर करने के बाद यहाँ से उत्तमा कर लीजिए। सर मध्यमा जो है वो बारहवीं के बराबर है या क्या है? मध्यमा में हमारा सस्पेंस है, हमको मध्यमा का मिला है बीए के बराबर, पर हम लोग उसको मानते हैं इंटर के बराबर, ये बड़ा गड़बड़ है यहाँ का, समझ रहे हैं ना जी? समझ गया मैं आपकी बात। तो आप बात मानिए, तो आप पहले मध्यमा, आप इंटर जो है आप उसको बोर्ड से कर लीजिए, यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड जहाँ है आपको सुविधा बने। अच्छा अच्छा, वहाँ से समझ रहे हैं ना, वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, मेरे सजेशन अनुसार जी। अच्छा पांडे जी, फिर उसके बाद में आपसे क्या करें? उत्तमा, उत्तमा कर लीजिए। उत्तमा और अगर लेंथ रहेगा 3 साल का रहेगा। और ये क्या है, एमए के बराबर है क्या है? ये बीए के बराबर है। अच्छा उत्तमा बीए है, समझ रहे हैं ना जी? जी समझ गया मैं आपकी बात। तो आप बात मानिए तो इंटर कर लीजिए बोर्ड से। आपका घर कहाँ है? दिल्ली? हाँ मैं दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली से कर लीजिए, नहीं तो बगल में एनसीआर से कर लीजिए, और या बस अपना नोटा से कर लीजिए आराम से, परसेंट ओपन। देखिए हमारे पास तो कई रिश्तेदारों का इंटर कॉलेज है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूछ लेंगे। और नहीं तो ओपन बोर्ड भी आजकल चला है, सहारनपुर में जैन साहब है। ऐसे में एक सवाल फिर से जिंदा खड़ा होता है, और सवाल ये है कि आखिर में जब 2024 में उनके हलफनामे में जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिया अपने शिक्षा के ब्यौरे में साफ लिखा गया कि 1988 में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की, और पूर्व में दिए गए यदि बात की जाए 2009 और 2014 तो वहाँ पर अपने हलफनामे में राव नरवीर ने साफ लिखा कि 1987 में उन्होंने डिग्री प्राप्त की। अब सवाल फिर से वही आकर खड़ा होता है कि आखिर में यह झोल कहाँ पर है? असल में देखा जाए तो 1988 और 1987 यानी एक साल का अंतर चुनाव के दौरान कैसे दिखा? एक सवाल फिर बड़ा खड़ा होता है कि क्या आपको लगता है आम जनता से यह सवाल कि यदि आपके सामने आकर राव नरवीर इस बात का खुलासा करेंगे, क्या आम जनता को यह बात बताएंगे कि यह पूरा मामला आखिर में क्या है? हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक यह जानकारी पहुँचाएँ। धन्यवाद।